हेलो किड्स, आज हम पोएम पढ़ेंगे आनंदीज रेनबो, आनंदी का इंद्रधनुष। इट वॉज रेनिंग आउटसाइड। रेनिंग मतलब बारिश हो रही थी, आउटसाइड बाहर की तरफ, बाहर की तरफ बारिश हो रही थी। आनंदी वॉज फास्ट एस्लीप ड्रीमिंग ऑफ रेनबोज। एस्लीप मीन सोना, गहरी नींद में। ड्रीमिंग सपने लेना, रेनबो इंद्रधनुष। आनंदी गहरी नींद में सो रही थी और इंद्रधनुष का सपना ले रही थी। सी वोक अप टू लुक आउट ऑफ हर विंडो। वह वोक अप, उठना, लुक आउट, बाहर की तरफ देखना, विंडो, खिड़की से। वह उठी और उसने अपनी खिड़की से बाहर की तरफ देखा। देर वॉज ए ह्यूज ब्राइट रेनबो अक्रॉस ए क्लियर ब्लू स्काई। ह्यूज मीन बड़ा, ब्राइट मीन चमकीला, अक्रोश माने चारों तरफ, क्लियर साफ, ब्लू स्काई नीले आकाश में। नीले आकाश में चारों तरफ एक बड़ा चमकीला रेनबो था, चारों तरफ फैला हुआ था। नीले आकाश में एक बड़ा चमकीला इंद्रधनुष चारों तरफ फैला हुआ था। आनंदी रन आउट टू द गार्डन विद मिली, हर फेवरेट कैट कैट। आनंदी रन आउट मीन भागना, दौड़ी दौड़ना। गार्डन बगीचा विद साथ में, फेवरेट कैट अपनी मन पसंदीदा बिल्ली के साथ है। आनंदी अपनी पसंदीदा बिल्ली के को साथ लेकर गार्डन की तरफ भागी गई। आनंदी लव टू ड्रॉ एंड पेंट। आनंदी को ड्राइंग बनाना और उसमें कलर भरना अच्छा लगता था। टुडे आज सी वॉन्टेड टू पेंट। आज वह कलर भरना चाहती थी। द फ्लावर्स ऑफ हर गार्डन विद द कलर्स ऑफ द रेनबो। इंद्रधनुष के कलर से अपने गार्डन के फ्लावर्स में कलर भरना चाहती थी। सी कलर्ड वन फ्लावर विद द वॉयलेट। उसने एक फ्लावर पर वॉयलेट कलर किया एंड अनदर विद द इंडिगो ऑफ द रेनबो। और दूसरे के ऊपर उसने रेनबो का इंडिगो कलर किया। वन विद द ब्लू, एक के ऊपर उसने ब्लू कलर किया एंड लीव्स विद द ग्रीन, और पत्तियों के ऊपर उसने हरा रंग किया। एंड वन विद द ऑरेंज, एक के ऊपर उसने ऑरेंज कलर किया। वन विद द रेड, एक के ऊपर उसने रेड किया। बट सी लेफ्ट द येलो, लेकिन उसने पीले रंग को छोड़ दिया। सो दैट मीन ताकि, द सन मे लुक ब्राइट एंड गे, ताकि सूरज चमकीला और खुश दिखे। उसने येलो कलर को छोड़ दिया। एंड लो देर वर ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑल ओवर द गार्डन। पूरे बगीचे में सुंदर फूल हो गए थे, पूरा बगीचा सुंदर फूलों से बन गया था। द सन वॉज अप देयर शाइनिंग इन इट्स येलो ग्लोरी। सूरज चमक रहा था अपनी पीली चमक के साथ। शाइनिंग मीन चमकना, येलो मीन पीला, ग्लोरी चमक। आफ्टर गिविंग कलर्स टू द फ्लावर्स एंड द सन, द रेनबो गॉन। सभी फूलों को और सन को कलर करने के बाद रेनबो चला गया था। चलो बच्चे, अब न्यू वर्ड्स पढ़ते हैं। ब्राइट मीन चमकीला, फेवरेट पसंदीदा, इंडिगो ब्लू कलर होता है ना इंद्रधनुष का, वो। इनसाइड अंदर, आउटसाइड बाहर, रेनबो इंद्रधनुष, वॉयलेट पर्पल कलर। लेट्स रीड। ए रेनबो हैज सेवन कलर्स। एक रेनबो के अंदर सात रंग होते हैं। रीडिंग इज फन। व्हाट डिड आनंदी सी आउटसाइड हर विंडो। आनंदी ने विंडो से बाहर क्या देखा, तो इसका हम आंसर लगाएंगे।
आनंदी सा ए ह्यूज ब्राइट रेनबो अक्रॉस ए क्लियर ब्लू स्काई। आनंदी ने नीले आकाश में चारों तरफ एक बड़ा और चमकीला इंद्रधनुष देखा। दूसरा क्वेश्चन है, वाज द हैप्पी टू सी द रेनबो, क्या वह रेनबो को देखकर खुश हुई? हम लिखेंगे यस, सी वाज क्वाइट हैप्पी टू सी द रेनबो। हाँ, वह रेनबो को देखकर बहुत खुश हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कलर्स ऑफ द रेनबो, रेनबो के क्या क्या कलर होते हैं? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, द कलर्स ऑफ द रेनबो आर वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स टॉक, चलो बातें करें। हाउ यू एवर सीन ए रेनबो, क्या आपने कभी रेनबो देखा है? तो इसका आंसर हम लगाएंगे यस, आई हैव सीन ए रेनबो। हाँ, मैंने रेनबो देखा है। और जिसने नहीं देखा होगा वो बच्चा ऐसे लिखेगा, नो आई हैव नॉट सीन ए रेनबो, मैंने रेनबो को नहीं देखा। व्हेन डू यू सी ए रेनबो इन द स्काई, आप रेनबो को स्काई में आकाश में कब देखते हैं? तो हम लिखेंगे, वी कैन सी ए रेनबो इन द स्काई आफ्टर रेन, बारिश के बाद देख सकते हैं। वी कैन सी ए रेनबो इन द स्काई आफ्टर रेन, लेट्स शेयर। गो आउटसाइड एंड लुक एट द क्लाउड्स, बाहर जाओ और बादलों की तरफ देखो। व्हाट शेप्स डू यू सी इन द क्लाउड्स, क्लाउड्स कि क्या क्या शेप हैं उन्हें देखकर तुम बताओ। तो आप क्या लिखोगे, सम सम ऑफ क्लाउड्स आर राउंड, सम आर ओवल एंड स्क्वेयर इन शेप, कुछ क्लाउड राउंड गोलाकार शेप के हैं, सम आर ओवल कुछ ओवल शेप के हैं, एग होता है ना वो ओवल शेप में होता है, कुछ ओवल शेप के हैं एंड स्क्वेयर इन शेप कुछ वर्गाकार शेप में है। कम इन साइड एंड ड्रो वट यू सा, जो आपने देखा उसकी ड्राइंग बनाओ। उसकी आपने आज उसमें स्काई में क्या देखा, क्लाउड्स देखा, बर्ड्स को देखा, जो भी आपने कुछ देखा उसकी ड्राइंग बनाओ। नाउ डिस्क्राइब योर ड्राइंग टू योर फ्रेंड्स इन योर ओन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश, और अपने फ्रेंड्स को अपनी ड्राइंग के बारे में अपनी लैंग्वेज में बताओ और फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो। से अलाउड, सभी चलो बच्चों जोर जोर से बोलो मेरे साथ। एफ से शुरू होने वाले ये वर्ड है, फेस, फेस मीन चेहरा, फील्ड क्षेत्र जमीन, फाइंड पता करना, फ्लाई उड़ना, फूड भोजन, और बी से शुरू होने वाले वर्ड है, बैक पीछे, बोल गेंद, बैट बल्ला, बिग बड़ा, बोट खरीदा। एल से शुरू होने वाले वर्ड है, लैम्प, लैम्प मीन दिया सलाई, लेग पैर, लेट मीन माना, लिटिल छोटा, लोग लकड़ी का छोटा ये टुकड़ा, हैट टोपी, हाउ पास हर उसका, हाउस घर, हेट झोपड़ी। चलो आगे करते हैं, लेट्स डू, लुक एट द पिक्चर बिलो, सर्कल द नेम्स थिंग दैट यू कैन सी इन द पिक्चर, जो आप इस पिक्चर में देखोगे सर्कल लगाओगे। अम्ब्रेला है इस पिक्चर में, अम्ब्रेला के ऊपर सर्कल लगाओगे। पडल, पडल मित सड़क के ऊपर जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उनमें पानी भर जाता है उसको क्या बोलते हैं, पडल, उसके ऊपर सर्कल लगाओगे। रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स के ऊपर सर्कल लगाओगे। अम्ब्रेला के ऊपर सर्कल लगा दिया, पडल के ऊपर सर्कल लगा दिया, रेन ड्रॉप्स बारिश की बूंदे गिर रहे हैं ना उसके ऊपर सर्कल लगाएंगे। हाउस, हाउस भी है पीछे उसके ऊपर भी सर्कल लगाएंगे।
कैट भी है, इसके ऊपर भी सर्कल लगाएंगे। बोट, बोट भी है, इसके ऊपर भी लगाएंगे। मड, मड मिट्टी, मिट्टी के ऊपर भी लगाएंगे सर्कल। सन के ऊपर भी लगाएंगे। और रोजेज नहीं है, पोट, पोट भी नहीं है, और मैट, दरी भी नहीं है। अब ज्वाइन द डॉट्स फ्रॉम ए टू जेड एंड सी व्हाट यू कैन क्रिएट। ए से जेड तक सारे डॉट ये वो करेंगे, ज्वाइन करेंगे, और बाद में देखेंगे क्या बना, बटरफ्लाई बनेगी। इन द गिवन स्पेस ट्रेस द रेनबो एंड कलर इट। ये रेनबो है, इसमें कलर भरेंगे, इसमें वायलेट कलर भरेंगे नीचे, ये इंडिगो कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, यहाँ पर येलो कलर, ये गलती से लिख दिया मैंने, यहाँ पर येलो कलर, और यहाँ आएगा ऑरेंज, और सबसे ऊपर आएगा रेड, और सबसे नीचे वायलेट। इसको ट्रेस करके लिखेंगे STUV। और उसके बाद है लेट्स मेक ए रिडल। एक पहेली, पहेली करो। यूज एम आर हाउ इन द ब्लैंक्स। एम का मतलब होता है मैं, हाउ मतलब पास में। तो आई एम वाइट इन कलर, मेरा कलर कैसा है, वाइट है। आई हैव टू आईज, मेरी दो आंखें हैं। आई हैव फोर लेग्स एंड शॉर्ट टेल, मेरी चार टांगे हैं और एक छोटी पूंछ है। आई हैव वूल ऑन मी, मेरे ऊपर ऊन है। व्हाट एम आई, बताओ मैं क्या हूँ। तो आप आंसर लिखोगे आई एम ए सीप। ओके बच्चे, बाय बाय बच्चों।